मॉडिफाई लॉकडाउन के बाद बाड़मेर में पुलिस दिन ब दिन सख्त होती नजर आ रही है। पुलिस अधिकारियों के निर्देशों में पुलिस जवानों ने शहर के कई इलाकों में चालान की कार्रवाई की। शनिवार को भी पुलिस ने शहर के कई मुख्य मार्गों पर सर्किल पर चेक पोस्ट बनाकर कार्रवाई की। पुलिस ने सिंदरी सर्किल, चौटन चौराहा, नेहरू नगर, ओवरब्रिज के पास व हिंसा सर्किल पर सघन जाँच के साथ बिना हेलमेट, बिना मास्क व बिना किसी काम के बाजार आने वाले वाहन चालकों के चालान किए। बाड़मेर में मॉडिफाई लॉकडाउन घोषित होने के बाद लोगों की आवाजाही में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब पुलिस प्रशासन भी लगातार सख्त होता नजर आ रहा है। शनिवार को बाड़मेर शहर के मुख्य चौराहों या मुख्य मार्गों पर पुलिस के जवान तैनात नजर आए। यहां से आवाजाही कर रहे प्रत्येक वाहन को रुकवा कर चालकों से सख्ती से पूछताछ की गई। वहीं बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस और बिना मास्क पहने वाहन चालकों के चालान काटे गए। साथ ही जरूरी दस्तावेज न होने पर वाहन सीज की कार्रवाई भी की गई। गौरतलब है कि बाड़मेर में कोरोना मरीज न मिलने के चलते सरकार द्वारा छूट के तहत बीते सोमवार से मॉडिफाई लॉकडाउन घोषित किया गया है, लेकिन शहर के चौराहों एवं लॉकडाउन के चलते वाहनों की अधिकता देखी जा सकती है। शनिवार को बाड़मेर पुलिस ने यातायात कर्मियों के साथ मिलकर शहर के शहीद सर्किल, रामबाई सर्किल, रामबाई स्कूल के पास नेहरू नगर फाटक, अहिंसा सर्किल, रैन बसेरा नंबर 4 स्कूल के पास अंबेडकर सर्किल समेत शहर के कई इलाकों में बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू की। शहर में बढ़ रही लोगों की आवाजाही को लेकर बाड़मेर पुलिस एवं यातायात पुलिस ने 2 दिन पूर्व की अपेक्षा अलग अलग जगह पर बैरिकेड्स लगाकर कार्रवाई शुरू की, क्योंकि मुख्य चौराहों की अपेक्षा वाहन चालक पुलिस से बचने के लिए अन्य शॉर्टकट रास्तों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं।